गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का अपना लेक्चर जो है बेसिकली रोटेशन मोशन के कुछ पॉइंट्स हम वापस डील कर रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है। हालांकि हम सिलेबस कवर कर चुके हैं स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे कंपटीशन टाइप के जो एग्ज़ाम हैं तो उनके प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा चीज़ों को फिर से। तो उसमें मैंने जो पहला टॉपिक लिया है वो है रोलिंग मोशन, जहाँ से आपके मोस्ट ऑफ दी जो टफेस्ट एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन बनता है इसके लिए, ठीक है। तो टॉपिक जो है आपका रोलिंग मोशन है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में आपको पता है कि कई तरह की रिजिड बॉडी हो सकती है, एक एल लेंथ का एक रोड भी हो सकता है, सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, होलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, सिलेंडर कैन बी होलो एंड सॉलिड आल्सो। और हमने क्या लिया था, और आपने ट्रायंगुलर एक ऑब्जेक्ट लिया था, रेक्टेंगुलर लेमिना था, स्क्वायर लेमिना था, तो कई तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उन सब के लिए आपको क्या पढ़ना है? रोलिंग मोशन। सबसे पहला पॉइंट रोलिंग मोशन में जो आपको समझना है, पहला पॉइंट ये कि रोलिंग मोशन जो है दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिमाग में फिट कीजिए कि रोलिंग मोशन जो होगा वो दो तरह के मोशन का क्या होगा? मिक्सअप होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई विल राइट, रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल लिखा है ना, क्या लिखा है? रोटेशनल, ओके। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। और इट मीन्स इट हैज समथिंग टाइप ऑफ रोटेशन, ओके। सो इट हैज रोटेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बताया है कि रोलिंग मोशन जो होता है दो तरह के मोशन का क्या है? कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगा। दूसरा, रोटेशनल जो होगा वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर है तो वो क्या है? रोलिंग मोशन है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि हमें कुछ पॉइंट आगे पढ़ने हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बस याद रखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। हाँ, अगर पॉइंट में कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रखना है पॉइंट्स को लेकिन समझते हुए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही करने का ही तरीका है। मान लीजिए कि एक एम मास का एक ऑब्जेक्ट है। अब जो एम मास का ऑब्जेक्ट मैंने दिखाया है, स्फेरिकल दिखाया है, दैट कैन बी होलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, होलो सिलेंडर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कैसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है। मैंने केवल दिखा दिया है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। क्या माना कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मोशन की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रांसलेशन मोशन की। क्या कहता है ये? ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से चल रहा है तो वास्तव में जो वो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का होता है। फिर से सुनिए, जब भी हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वी वेलोसिटी से चल रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो जो वेलोसिटी है वो किसका है? सेंटर ऑफ मास का। यानी कि वी कैन से दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अब दूसरा पॉइंट इससे क्या, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल का होगा। क्या है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एम मास है, मैं यहां पर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ इसे माना जा सकता है, यानी कि मैंने क्या माना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, उन सभी पार्टिकल को मैंने यहां दिखाया। अब अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, v है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v c o m ही होगा, इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v c o m होगा, यानी कि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल का होगा, चाहे वो पार्टिकल आपने ऑब्जेक्ट के अंदर लिया हो या वो पार्टिकल आपने ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लिया हो। तो यहाँ पर भी अगर लिया है तब भी उसका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है, यहाँ लिया है तब भी। तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वही वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का होता है। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ में कि एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए एक्सीलरेशन अगर दिया है तो बताओ फोर्स कितना है। वेरी सिंपल कि एफ इक्वल टू क्या है, एम ए। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है वास्तव में वो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का होता है। किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का, यानी कि ये जो है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, यानी कि ये जो फोर्स है वो भी किसका है, सेंटर ऑफ मास पर है, और ये मास पूरे सिस्टम का है। ठीक है, तो अभी तक बताई गई बात आपको ये समझ आई होगी कि वास्तव में हमने जो पढ़ा था क्या कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसका मतलब क्या था, वो इनडायरेक्टली हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं जो आपने सेंटर ऑफ मास के अंदर पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो नहीं पढ़ा है इतना आइडिया आपको पता चल गया होगा कि हाँ क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसलेशन मोशन तो हो गया, अगला है रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, तो रोटेशनल मोशन में आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या कहना चाहता है ये कि सर्कुलर मोशन में पता है कि अगर कोई भी पार्ट, कोई भी जो पार्टिकल है वो अगर, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन हमेशा होती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो हम बात करेंगे जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी। ठीक है, वो मैंने केवल बताया है, रिकॉल करवाया है। चलिए, सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी की बात करनी है तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये जो v इक्वल टू ओमेगा r होता है वो कौन सा वेलोसिटी है, दैट वन इज ए लीनियर वेलोसिटी, आल्सो नोन एज ए टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है, और यू कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी। इन केस अगर आप ये भूल गए हैं तो सर्कुलर मोशन का ये पॉइंट वापस रिकॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा r, इट्स अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड लीनियर वेलोसिटी मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्ट करवाते हैं इसे। मान लो मुझसे पूछा जाए, अभी ये केवल रोटेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन नहीं, ठीक है, वन बाय वन मैं बता रहा हूँ सारे मोशन। ठीक है, अभी ये केवल रोटेशनल मोशन कर रहा, तो यहां वाला पार्टिकल जब हम देखेंगे तो इधर जाता हुआ दिखेगा, और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा, सिंपल, क्योंकि सबके लिए रेडियस क्या है, r है, सबके लिए ओमेगा भी क्या है, सेम। यहां पूछ लेता तब क्या कहते हैं, वही होता v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर भी क्या होता, v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां भी क्या होता, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर कट करवाए हैं। पहला,
रोलिंग मोशन करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास दो तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में फॉलो करवाता है खुद को, रोटेशनल वो क्या करवाएगा, खुद को रोटेट करवाएगा। जब दोनों ही मोशन एक साथ हो उसे क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो गाड़ी चलती है, बस वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, तो मोटरसाइकिल का जो टायर है उसमें क्या है, आपने गाड़ी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चलने लगेगी और साथ साथ टायर घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, वो क्या है, सिंपल रोलिंग मोशन है, दैट्स इट। ओके, तो एग्जाम्पल से आपको और पता चल रहा होगा कि हाँ रोलिंग मोशन क्या होता है, इट्स ए सिंपल, ठीक है, आसान था। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे कि ये तो मैंने दोनों चीजें क्या बताई है, अलग अलग बताई है, ठीक है ना। पूरा ध्यान सुनते जाइए, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये टॉपिक, थोड़ा सा मिस कर गए तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, फिर से सुनना पड़ जाएगा आपको सेकेंड। चलिए अब अगला ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का v वेलोसिटी से चल रहा तो ये v वेलोसिटी किसका है, सेंटर ऑफ मास का, v वेलोसिटी किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। ओमेगा से क्या कर रहा, रोटेशन भी कर रहा, तो ये क्या होगा, तो ये होगा सिंपली रोलिंग मोशन, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब इसके न्यूमेरिकल मैं आपको एक दो करवाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन टाइप जो रोलिंग मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है वो कैसे होती है, ठीक है, और उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रॉब्लम लिखते हैं, तो लिखिए पहला प्रॉब्लम, सवाल ये है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन टाइम टी इक्वल टू पाई अपॉन टू ओमेगा एंड इट इज गिवन दैट यू हैव ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, इट्स गिवन वी बाय कैपिटल आर, ओके, एंड डाटा इज गिवन, डायग्राम इज गिवन, ठीक है। तो ये सवाल है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी दिखाना है तो पार्टिकल पी इसमें दिखाया गया है, ये रहा यहां पर है, ये ग्राउंड है, तो पार्टिकल पी यहां है, ये नीचे वाला, ठीक है ना, समझे सवाल को। ये रिजिड बॉडी है, वी वेलोसिटी से आगे जा रहा तो कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन, ओमेगा से घूम रहा तो कौन सा मोशन, रोटेशनल, दोनों एक साथ हो रहे तो कौन सा मोशन, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो पूछा है कि इसका जो पॉइंट पी है इसका क्या बताना, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, ये जो दिया है वो क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा कर देता हूं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गया ग्राउंड पर। अब कितने टाइम में फाइंड करना है, जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वो टी इक्वल टू पाई अपॉन टू ओमेगा सेकंड में फाइंड आउट करना है, और एक कंडीशन आपको गिवन है, इट्स गिवन, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, इवन दो वी नो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर होता है फ्रॉम सर्कुलर मोशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफरेंट मीनिंग है जो आगे आने वाले पॉइंट में पता चलेगा। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर गिवन है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट,
एंड ऑल्सो जो टाइम दिया है पाई अपॉन टू ओमेगा, इसी टाइम पीरियड में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्यों पूछा है सवाल, देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है कि जब ये रोलिंग मोशन कर रहा तो दो तरह के मोशन इसमें हो रहे हैं, कौन कौन से, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। जब ये ट्रांसलेशन करेगा तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मैं विजुअलाइजेशन करवाता हूँ। ये पॉइंट भी, जब केवल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा, केवल कौन सा मोशन कर रहा, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा, तो ये आगे गया आगे गया और आगे गया, मान लो यहां कहीं पर पहुंचा, तो केवल ट्रांसलेशन मोशन की वजह से पॉइंट पी ने क्या कर लिया, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। बात समझ आ रही है? केवल ट्रांसलेशन मोशन की वजह से पॉइंट पी जो था चला 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 फिर यहां पहुंच गया, ठीक है ना। जैसे यहां पॉइंट पी है, यहां पॉइंट पी है, अब इसको ट्रांसलेशन मोशन करवाना मतलब आगे लेकर जाना है, आगे लेकर गया 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 यहां आ गया, तो पॉइंट पी यहां आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या था, ट्रांसलेशन मोशन, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां तक ठीक। अब लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। रोटेशन अगर हो रहा है तो ये पार्टिकल पी, सॉरी पॉइंट पी क्या होगा, रोटेट भी करेगा, चल तो रहा ही था और साथ में क्या करेगा, रोटेशन भी करेगा। यानी कि हो सकता है वो रोटेट होके यहाँ आ गया हो, यहाँ आ गया हो, लेकिन आपको नहीं पता कहाँ आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे। तो ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, इस पर आते हैं। तो पहले हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं। इन ट्रांसलेशन मोशन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या एक्सीलेशन की बात हो रही है, नहीं। वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहा है, चेंज नहीं हुआ है, वी ही दिया है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, एक्सीलेशन नहीं है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी तो वी ही है, कुछ दिया कहाँ है, वी मतलब वी ही है। टाइम कितना, कितने टाइम में, पाई अपॉन टू ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना, वी बाय आर, उसे भी यूज करेंगे। आर से आर कट गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर अपॉन टू। यानी कि केवल अगर ट्रांसलेशन मोशन करता तो इतना चलता, करेक्ट। यानी कि ये डिस्टेंस कितना था, पाई आर बाय टू, एक्स डायरेक्शन में गया है तो प्लस का आई के, ठीक है। अभी रुकिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रोटेशन बाकी है। अब ये रोटेट भी तो किया, रोटेट किया है, तो पहले ये यहां पर था, अब हो सकता है रोटेट करके कहीं चला गया होगा, ये इनिशियल था, ये इनिशियल था, अब कहीं और गया होगा, कहीं और गया होगा तो किसी एंगल पर गया होगा कि इतना एंगल घूम गया, सही है ना। पहले यहाँ था, रोटेशन करेगा तो यहाँ यहाँ कहीं पर भी जा सकता, मैंने किसी थीटा एंगल पर मान लिया और थीटा एंगल मुझे फाइंड करना, ठीक है। तो वी नो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय टाइम, एंड थीटा इज व्हाट, फ्रॉम हियर ओमेगा इनटू टाइम इन रोटेशनल मोशन, ओके, इन रोटेशनल मोशन। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इनटू टाइम कितना, पाई बाय टू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, पाई बाय टू रेडियन, मीन्स व्हाट कि इस टाइम पीरियड में वो पाई बाय टू एंगल ऊपर उठ जाएगा, कितना एंगल, पाई बाय टू, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर चला गया, पहले यहाँ था अब कहाँ चला गया, 90 डिग्री पर, चलिए तो ये यहाँ आ गया, ये 90 डिग्री पर, ये पार्टिकल पी का नया पोजीशन। अब ओवरऑल देखिए चीजों को फिर से समझते हैं पूरा, ठीक है। अभी मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से बताया, ठीक है ना, ट्रांसलेशन अलग से करके दिखाया था, रोटेशनल अलग से करके दिखाया था। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, फोकस यहीं पर रखिए अपना।
ये ग्राउंड था, ये पार्टिकल पी, सॉरी पॉइंट पी, भूल जाता हूँ भाई क्या कर, सेंटर ऑफ मास, ये वी वेलोसिटी पे चल रहा, ओमेगा से रोटेट कर रहा, वी वेलोसिटी से चल रहा, ओमेगा से घूम रहा, ठीक है। अब चलते चलते ये आगे पहुंचा, कितना आगे पहुंचा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि आया था कितना, पाई आर बाय टू आई कैप, ठीक है। अब रोटेशन के कारण हमने देखा कि पार्टिकल जो पी यहाँ था वो कहाँ चला आया, यहाँ चला आया, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हुआ है, वो सीधा भी गया था, फिर पार्टिकल पी ऊपर भी चला गया, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आना है वो एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखिए इधर चला कितना था एक्स डायरेक्शन में, पाई आर बाय टू आई के, लेकिन हमने क्या नोटिस किया कि ये यहां पर था, घूमते हुए यहां पर आया, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये भी तो आर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कौन सी, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये सेंटर से इस तरफ मेजर की गई है, तो ये क्या हो गई, माइनस आई के, ये वाला डिस्टेंस कितना था, माइनस आर आई के, समझे क्या, इतना में चला प्लस एक्स डायरेक्शन, इतना में चला नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो टोटल ये आ गया, प्लस वाई डायरेक्शन कितना चला, वाई में यही तो चला हूं, कितना है आर इक्वल टू आर जे के, ठीक है। तो ये आपका आंसर फाइनल, ठीक है। इसे फिर से बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट, पाई आर बाय टू माइनस आर आई के प्लस आर जे के। तो ये सवाल काफी अच्छा, जो कि रोटेशनल में, रोलिंग मोशन में, ये इंट्रोडक्शन टाइप के सवाल करवाए मैंने आपको, ठीक है, काफी मजेदार सवाल आने वाले हैं, और ठीक है लिखिए इससे अगला सवाल एक और करवाते हैं। आज कंटिन्यूअस में कर रहा हूं आपका ये वीडियो, बीच में पॉज नहीं किया है मैंने, ताकि आपको क्लास जैसा फील हो, है कि नहीं, तो क्लास जैसा फील तो क्लास में ही आता है। लिखिए अगला सवाल, आफ्टर टाइम टी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, With respect to ground, okay. और given क्या है, और बस वैसा ही, और कुछ नहीं, चलिए देखा जाए। तो एक spherical object मान लेते हैं, वैसा ही करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं करेंगे, ठीक है ना, वैसा ही same concept, अगर पिछला समय आया है definitely ये आ जाएगा, पिछला नहीं आया है फिर से देखो उसे, दिमाग दौड़ाइए, ठीक है ना। ये एम मास का ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ मास फिर से दिखाया है, वी वेलोसिटी से चल रहा, कौन सा मोशन देगा, ट्रांसलेशन मोशन, ऐसे घूम रहा कौन सा देगा, रोटेशनल, दोनों को मिक्सअप किया क्या देगा, रोलिंग मोशन, ठीक है। पॉइंट पी यहां दिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब पूछा है आफ्टर टाइम टी, टाइम भी नहीं पता, कोई भी टाइम टी है, वेरिएबल की फॉर्म में आएगा मतलब आंसर, ठीक है ना, पिछले वाला भी वेरिएबल से था लेकिन पाई था तो न्यूमेरिकल सा लग रहा था। आफ्टर टाइम टी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी, सॉरी पॉइंट पी, भूल जाता हूँ,
displacement of point P with respect to ground. I have designated it as a PG, displacement of P with respect to ground, G for ground, ठीक है ना, G for God या G for ground है यहाँ पर. चलिए तो दोनों मोशन करवाएंगे इसे, वैसा ही करेंगे, पहले एक बार ट्रांसलेशन मोशन करके आगे ले जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ भी एक लाइन बना दी कि भाई सीधा सीधा आ जाओ इसे, तो ये सीधा सीधा आया होगा. कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस d इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया. अब क्या करेगा, अब अगला उसका काम होगा रोटेशन करवाना. तो रोटेशन कैसे करवाएगा, देखिए रोटेशन करवाने के लिए पहले पार्टिकल यहाँ था, अब रोटेट करके इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये रोटेट करके किसी ना किसी एंगल पर जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन करके यहाँ से यहाँ आ गया. अब पार्टिकल P यानी पॉइंट P यहाँ था, वो रोटेट करते 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 कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी एंगल थीटा पर, ठीक है. अगर किसी भी एंगल थीटा पर जाएगा तो वहाँ पर बताना है कि फाइनल पोजिशन क्या होगा. अब लेकिन हमें पता ही नहीं कि थीटा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना, 90 डिग्री 180 डिग्री पूरा घूम के आ जाए. तो किसी भी एंगल थीटा पर उसे भेज दीजिए, वेक्टर जो सिंबल है वो उसका क्या रखेगा, पूरा ध्यान रखेगा थीटा कहाँ पर एक्जैक्टली, ठीक है ना. तो पहले यहाँ था, अब मान लो यहाँ पर आ गया, या फिर थोड़ा सा और ठीक से बना देते हैं, यहाँ मान लिया, ठीक है, ये इसका नया पोजिशन कितने एंगल पर, थीटा पर. ये इसका रेडियस आर, ये भी रेडियस पूरा आर है, चलिए ये पूरा रेडियस आर है. अब पहले ट्रांसलेशन तो मैंने निकाल दिया, चलिए अब पॉइंट पी का नया पोजीशन ये है, ठीक है, ये रेडियस आर है. तो बताओ कि इस रेडियस आर का इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आ गया, आर कॉस थीटा, इधर इधर कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा. तो ये हो गया आर साइन थीटा, ये हो गया कितना, आर कॉस थीटा. ये पूरा कितना था, पूरा आर था, ये पूरा कितना है, आर है. इसमें से कितना चला गया, आर कॉस थीटा. ये हाइट कितना बच गया, आर माइनस आर कॉस थीटा, खत्म हो गया. कैसे, अब देखो ये तो था आई केप, पॉजिटिव आई केप में. अब पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ गया तो इतना डिस्टेंस नेगेटिव एक्स में चल गया, सही है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वी इंटू टी माइनस आर साइन थीटा आई केप प्लस y डायरेक्शन ये है, कितना आ जाएगा, r माइनस आर कोस थीटा जे के, बस ये हो गया. इस तरह से रोलिंग मोशन के सवाल आपको डिस्प्लेसमेंट के सवाल मिल जाएंगे. अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ रोलिंग मोशन आप धड़ाक से कर सकते हैं, ठीक है. एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, होप कि समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग करता है तो इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमने क्या माना, वी. रोटेट कर रहा है क्या, ओमेगा से, सेंटर क्या है, पी है. यहाँ पर हम बार हर बार पूछे हैं कि बताइए पार्टिकल पी का, सॉरी पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताओ. तो क्या कीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जा सकता है. रिलेटिव मोशन आपको अगर याद हो तो देखिए, velocity of A with respect to B can be written as velocity of A minus velocity of B, ठीक है. इससे भी क्या लिखेंगे, ये क्या है, displacement of point P with respect to center of mass, तो ये center of mass है, ठीक है ना. क्या लिखेंगे, S P minus S G, ठीक है, S P minus S G. अब ये ground के respect में define होता है, तो ये भी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, सॉरी ये किस्मत था सेंटर के रेस्पेक्ट, ठीक है. आपको पूछा क्या गया था, अभी वाले सवाल पूछा गया था पी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो है. इसको कहाँ भेजेंगे, इधर, तो
आपने जो न्यूमेरिकल में इसका जो वैल्यू निकाला था, इनडायरेक्टली आपने वही किया। दो वेक्टर थे अपने पास, पहला जो था वो किसको दिखा रहा था कि पार्टिकल पी सेंटर से जब देखेंगे कैसा दिखेगा, उसे घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये सेंटर के रेस्पेक्ट में, सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाल फिलहाल कल फॉर्मूला बताया, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतना काफ़ी आज के लिए, चलिए।